कंप्यूटर का यूज़ आजकल हर जगह हो रहा है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार डिस पीसी या माई कंप्यूटर जैसे आइकॉन्स हमें दिखाई नहीं देते हैं और इस रीज़न की वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, जैसे कि आपने पेन ड्राइव अटैच किया है, आप अपने हार्ड डिस्क का डेटा देखना चाहते हैं, जैसे कि सी ड्राइव डी ड्राइव का डेटा देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस तरह के कंप्यूटर के बेसिक आइकॉन्स को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। वीडियो के स्टेप्स को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप अभी तक इस चैनल के परिवार के सभ्य नहीं बने हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिखेगा जिस पे क्लिक करें और उसके पास में एक बेल आइकॉन दिखेगा जिसमें ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कंप्यूटर के ये बेसिक आइकॉन्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। आपको डेस्कटॉप पे कहीं पे भी अपने कीबोर्ड माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक में आप देख रहे हैं लास्ट ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज, इस पे क्लिक कर देना है। पर्सनलाइज में आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जिसमें थीम्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थीम्स ऑप्शन में आप देखेंगे कि जैसे ही थीम्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसको उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने उसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के जो भी आइकॉन्स आप एक्टिवेट करना चाहते हो वो आपको एक यहाँ पे दिखाई देंगे। ये चेक बॉक्सेस हैं, जो भी चेक बॉक्सेस पे आप क्लिक करेंगे जैसे नेटवर्क आइकॉन है, कंप्यूटर आइकॉन है, इस पर क्लिक किया यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्टिवेट हो रहा है और आपको लास्ट में अप्लाई और ओके बटन पे क्लिक कर देना है और इतना करके आपको अपना जो विंडो है वो क्लोज कर देना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों आइकॉन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। सब्सक्राइब कीजिए पंकज शाह चैनल को और बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।